तो फिर से एक नए ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं आज दिखाऊंगा नई दिल्ली से लेकर दरभंगा। तो मैं अभी इस वक्त नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन में पहुंच चुका हूं और आगे की प्रोसेस रहेगा दरभंगा तक का पूरा यहां ब्लॉग दिखाऊंगा मैं आप सभी लोगों को। सामान रख दिए, चेकिंग होगा सबसे पहले और चेकिंग करके बाहर निकलेंगे इस तरफ। और हम यहाँ पर आ चुके हैं ऊपर और हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, प्लेटफार्म नंबर 14 पे, और बिहार शपथ क्रांति से जाएंगे। बिहार शपथ क्रांति इस लाइन पे आएगा और ये जो भीड़ देख रहे हो आप, तो बिहार शपथ क्रांति में बैठने के लिए भीड़ लगा रखे हैं सब लोग। बोगी आगे है थोड़ा, तो आगे चलना पड़ेगा क्योंकि बोगी जो है थोड़ा ज़्यादा ही आगे हो गया है, चलते चलते थक गए हैं हम। बिहार इतने सारे सामान ले जा रहे हैं, एक लेगीज है इसमें जो है घर का सामान है, टोटी कुटी सब है इसमें, और हमारा एक पार्टनर है जो यहाँ से जाएगा बिहार। गाड़ी का अलाउंस हो गया है और ये गाड़ी अब आने वाले हैं प्लेटफार्म पे, 14 नंबर प्लेटफार्म पे। अंदर जा रहा हूँ, ये बोगी है 39 नंबर सीट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से तकिया बिस्तर। और ये दिल्ली से रवाना हो चुका है गाड़ी, अब ये डायरेक्ट दरभंगा जाएगा, बीच में स्टॉपेज भी है कानपुर, बहुत सारे स्टॉप। ये दिल्ली का यमुना नदी है, यूपी का नजारा है, गेहूं कटा हुआ शायद, ना मुझे भी जानकारी नहीं है। तो मैं कानपुर पहुंच चुका हूं इस वक्त, जिसे आप नजारा देख सकते हैं कानपुर का, कानपुर के हूं मैं। रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं इस प्रकार से है कानपुर का स्टेशन, रेलवे स्टेशन। इस साइड से मालगाड़ी लगा हुआ है, प्याज भरा हुआ आप देख सकते हैं, पूरा प्याज का डब्बा है, और इस तरफ ऐसे इस प्रकार से दिख रहा है। एक कानपुर का गंगा, गंगा नदी, गंगा नदी है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में।
ऐशबाग अभी पहुंच चुके हैं। ऐशबाग का स्टेशन है रेलवे स्टेशन। जैसे कि आप लोगों को दिखा रहे हैं ऐशबाग है ये। और हमारे ट्रेन का सिग्नल मिल चुका है। बिहार की ट्रेन है और स्लीपर की ये हाल है, देख सकते हैं आप लोग। इसका टिकट भी है कंफर्म, उसका भी ये हाल है। भीड़ देखिए किस प्रकार से। ये बिहार का ट्रेन है, मतलब ये स्लीपर गाड़ी है। जिनका टिकट ले रखे हैं उनका अभी कोई इज्जत नहीं है, सब नीचे बैठे हुए हैं। मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन है। और ये समस्तीपुर जंक्शन आ गया। अब यहाँ पे इंजन चेंज किया जाएगा गाड़ी का और यहाँ से दरभंगा की ओर निकलेगा इंजन चेंज करने के बाद। और समस्तीपुर में पहुंच गए। हमारा साथी रहा था पूरा यहाँ तक दरभंगा तक, साथ में आए थे। अरे भाई साहब हमारा जो है देख गिरा करके, देखिए ये छोड़ दिया है, हट गया। कोई नहीं हो गया। दरभंगा स्टेशन पे आ चुके हैं हम। अब थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाएंगे बाहर निकल के, दूसरा मस्त रहो। और हम दरभंगा स्टेशन पे पहुंच चुके हैं इस वक्त। और हम बाहर की तरफ चल रहे हैं, अब निकलेंगे इसके बाहर। ये हमारे भाई हैं, दरभंगा स्टेशन उतरे हैं। हाँ उसको पकड़ चलाए, अगर जैसे मिलता है चलते हैं। और हम यहाँ स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। और हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं।
ये दरभंगा स्टेशन का बाहर का ये नज़ारा है और ये बाहर की तरफ है। और ये बाहर टैक्सी उसी लगे होते हैं। और यहाँ पे टैक्सी मिल जाएगा आपको कहीं जाना हो तो अपने घर। टैक्सी वाला का रेट हाई फाई थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ से। और हम वीडियो यहीं पे नेक्स्ट करते हैं। आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से ऑटो मिलता है दिल्ली मोड़ तक के लिए।